सो हेलो की सर, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर के SPV 4K के न्यू अपडेट के बारे में। और भी सर, काफ़ी सर भाई लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि स्ट्रेंजर का जो 4K का एम फायर होता है वो 8 ओम पे और 4 ओम पे उसका कितना पावर होता है। 2 ओम का तो उसका पावर मालूम होता है कि वो 2 ओम पे 2000 वाटेज निकाल कर देता है। और भी सर, स्ट्रेंजर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है। अगर आप लोग किसी भी शॉप पे स्ट्रेंजर का 4K का नया एम्पलीफायर लेने जाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेंजर कंपनी ने 4K के अंदर कौन सा अपडेट किया है, कौन सा नया फीचर डाला है, सारा कुछ जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मालूम चलेगा। साथ ही सर, स्ट्रेंजर का 4K का एम्पलीफायर कितना प्राइस में, अभी उसका लेटेस्ट प्राइस कितना चल रहा है, ये भी आप लोगों को इसी वीडियो में मालूम चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PSTJ ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आप लोग के मन में कुछ साउंड सिस्टम से रिलेटिव सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कि सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर आईडी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर के डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर SPV 4K देखने को मिल जाएगा, जो कि सर ये स्ट्रेंजर का काफी ज्यादा पॉपुलर मॉडल का एम्पलीफायर है। तो सर, अगर हम बात करें इस वाले एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल के बारे में, इसका जो फ्रंट पैनल है कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके फ्रंट पैनल पे आप लोगों को स्ट्रेंजर का ब्रांडिंग और इसका मॉडल नंबर SPV 4K यहाँ पर मेंशन किया गया, जो कि इसका मतलब होता है सुपर पावर बूस्टर 4000 वाटेज का एम्पलीफायर। साथ ही सर, इसमें आप लोगों को 2 वॉल्यूम नॉब देखने को मिल जाएगा, जो कि चैनल 1 के लिए और चैनल 2 के लिए सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया। इसमें आप लोगों को काफी सारा ऊपर में लाइट इंडिकेट देखने को मिल जाएगा, जो कि सर प्रोटेक्शन के लिए और लाइन हाई के लिए, टेम्परेचर के लिए और सर चेक के लिए और पावर के लिए सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को लाइट इंडिकेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोनों साइड में आप लोगों को चैनल 1 और चैनल 2 के लिए पीक के लिए भी रेड इंडिकेट दिया गया। साथ ही सर, सिग्नल आउटपुट के लिए यहाँ पर आप लोगों को VU LED ग्राफ लाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर उसके नीचे आप लोगों को पावर ऑन ऑफ करने के लिए स्विच देखने को मिल जाएगा। जैसे ही स्विच को प्रेस कीजिएगा तो इस वाले एम्पलीफायर के अंदर पावर आना चालू हो जाएगा। यह एक डुअल चैनल का एम्पलीफायर है, जो कि इसके अंदर मेंशन किया गया। साथ ही सर, यहाँ पर लिखा गया कि यह 2 ओम स्टेबल एम्पलीफायर है, जो कि 2 ओम पे पर चैनल पे 2000 वाटेज निकाल कर देगा, जो कि यह 2 ओम का किंग एम्पलीफायर कहा जाता है। इससे बेहतरीन चलने वाला 2 ओम एम्पलीफायर नहीं कोई भी है। अगर आप लोग 2 ओम पे एम्पलीफायर रन करने के लिए लेना चाहते हैं कम बजट में, तो इससे बेहतरीन मैं आप लोगों को कोई भी एम्पलीफायर नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर है 2 ओम पे चलने के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन और काफी रफ एंड टफ भी चलाने पर कोई भी दिक्कत नहीं होता है, जो कि इसे 2 ओम का किंग एम्पलीफायर माना जाता है। लेकिन सर, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर आप लोगों को ओरिजिनलिटी का थोड़ा सा पहचान यहाँ पर छिपा गया। तो अगर आप लोग स्ट्रेंजर का ओरिजिनल एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो मेड इन कोलकाता वाला ही लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेंजर का मैन्युफैक्चरिंग कोलकाता में ही होता है और कोलकाता के एम्पलीफायर पे यहाँ पर इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जो कि 2x2000 वाट पर चैनल 8 2 ओम लोड इस टाइप के देखने को मिलेगा। अगर दिल्ली वाला प्रोडक्ट रहेगा तो यहाँ पर 8 के जगह पर 8G रेट यहाँ पर लिखा रहेगा। तो ये बता आप लोगों को ध्यान में देना होगा। साथ ही सर, यहाँ पर आप लोगों को लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप लोगों को इसका इस टाइप का ग्रिल जाली देखने को मिलेगा, जो कि एयर पासिंग के लिए होता है। इसके हैंडल पे भी आप लोगों को स्ट्रेंजर आइडियो का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। बात करेंगे हम इसके बैक पैनल के बारे में, तो इसका जो बैक पैनल है कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिलेगा। और कई सर, इसके बैक पैनल पे सेम फीचर है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी स्ट्रेंजर का ब्रांडिंग और इसका मॉडल नंबर SPV 4K में यहाँ पर मेंशन किया गया। साथ ही सर, यहाँ पर आप लोगों को इसका सीरियल नंबर का यहाँ पर आप लोगों को QR कोड देखने को मिल जाएगा, जो कि ओरिजिनलिटी के पहचान के लिए भी होता है। साथ ही सर, दोनों साइड में आप लोगों को बड़े बड़े फैन देखने को मिल जाएगा, जो कि दोनों फैन काफी ज्यादा हाई स्पीडली चलते हैं, जो कि 4 इंची के फैन है, काफी ज्यादा मस्त इस वाले एम्पलीफायर को कूलिंग कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्विच के बारे में। तो सर, यहाँ पर इससे पहले वाला जो मॉडल आता था केवल एक स्विच देखने को मिल जाता था, जो कि एक ही स्विच से दोनों चैनल का लो कट ऑन ऑफ हो जाता था। जो नया नया मॉडल अब आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलेगा, इस टाइप के बैक पैनल पे 2 स्विच देखने को मिलेगा, जो कि चैनल ए और चैनल बी दोनों के लिए काम करेगा। तो कि सर, इस वाले स्विच का बेसिक सा काम यही है कि आप लोग 40 हर्ट्ज तक का फ्रिक्वेंसी कट कर सकते हैं, और सर 40 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी किसी बड़े स्पीकर में दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा कि ये फिल्टर कर देगा, लेकिन सर थोड़ा बहुत आप लोगों को अंतर देखने को मिलेगा। तो यही वाला
स्टिंजर के इस वाले मॉडल में अपडेट हुआ है, जो कि भाई सर ये आप लोगों को नया मॉडल में देखने को मिलेगा। यानी नया MLFR जब भी आप लोग किसी भी डीलर के पास लीजिएगा तो उसके बैक पैनल पे इस टाइप के LPF में दो यहाँ पर स्विच देखने को मिलेगा। तब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इस वाले MLFR में अपडेट हो गया है और पिछले वाला जो बंदा लिया उसमें केवल एक ही स्विच है, तो कॉपी है या डुप्लीकेट है। ओरिजिनल MLFR में अब आप लोगों को इसी टाइप के देखने को मिलेगा। बाकी सर जैसा पहले था वैसा ही सेम देखने को मिल जाएगा चैनल ए और चैनल बी का। यही सर हाई गेन का यहाँ पर इनपुट और गई सर लो का इनपुट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही सर स्पीकर से भी आप लोग इसके अंदर स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं और गई सर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर वायर पोल के द्वारा भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। एक बात और भी ध्यान देना होगा कि स्टिंजर के MLFR में पावर कोड में प्लग नहीं आता है, आप लोगों को अलग से प्लग लेकर लगाना पड़ेगा। अब गई सर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इस वाले MLFR का कितना पावर है 8 ohm पे 4 ohm पे, जो कि काफी सर भाई लोग का यही काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि जो MLFR 8 ohm पे और 4 ohm पे कितना पावर देता है, जो कि इसका 2 ohm का पावर तो हर भाई लोग जानते हैं कि 2000 वाटेज निकाल कर देगा। अगर 4000 वाटेज का MLFR है या 3000 वाटेज का है तो 1500 वाटेज ये 2 ohm पे देगा, लेकिन 8 ohm पे और 4 ohm पे कितना पावर निकाल कर दे सकते। इस वाले MLFR का जो पावर है 8 ohm पे पर चैनल पे 770 वाटेज ये आर्मी पावर में निकाल कर दे देगा, और गई सर ये 4 ohm पर चैनल पे 1275 वाटेज पर चैनल पे निकाल कर दे देगा, जो कि 1275 वाटेज चैनल ए पे भी और चैनल बी पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2 ohm के बारे में बात करेंगे तो 2 ohm पे ये जो MLFR है 2000 वाटेज पर चैनल पे निकाल कर दे देता है, जो कि 2 ohm पे ये MLFR काफी ज्यादा अच्छा लोड लेता है। 2 ohm का इसे किंग MLFR माना जाता है। अगर हम इसके डंपिंग फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो इसका डंपिंग फैक्टर आप लोगों को 600 देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि स्टिंजर का डंपिंग फैक्टर कितना है, तो कई सारे स्टिंजर का डंपिंग फैक्टर आप लोगों को 600 ही देखने को मिलेगा। बात करेंगे इस वाले MLFR के क्लास के बारे में, इसका जो क्लास है एच से देखने को मिल जाएगा, जो कि 3A स्टेप में काम करता है। काफी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि MLFR कौन से क्लास में आता है, तो ये MLFR एच क्लास में आता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इस वाले MLFR को जब आप लोग अपडेट करते हैं किसी भी प्रोग्राम में तो आप लोगों को पावर सप्लाई AC 220 वोल्ट का करंट देना होगा, तो ये MLFR चलेगा। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज देते हैं तो आप ये जो MLFR है ट्रिप कर देगा, यानी लाइन हाई का यहाँ पर प्रोटेक्शन दिखा देगा, तो उससे MLFR में कोई दिक्कत नहीं होगा, MLFR आप लोगों का बंद हो जाएगा, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब गई सर हम बात करेंगे इस वाले MLFR के वेट के बारे में, तो गई सर इस वाले MLFR का जो वेट है आप लोगों को 31 kg 640 ग्राम देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा हैवी वजन का ये MLFR हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके लोड कैलकुलेशन के बारे में कि ये जो MLFR है 4000 वाटेज का है, तो इसमें हम कितना कितना वाटेज तक का स्पीकर बेस स्पीकर चला सकते हैं, तो गई सर अगर आप लोग इस पे सिंगल सिंगल बेस स्पीकर चलाना चाहते हैं, यानी 8 ohm पे लोड देना चाहते हैं, तो आप लोग 700 वाटेज से लेकर 800 वाटेज तक का बेस स्पीकर चला सकते हैं, जो कि एक चैनल पे एक सिंगल बेस और दूसरे चैनल पे एक सिंगल बेस इजिली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग इस पे 4 ohm पे रन करना चाहते हैं तो 4 ohm पे ये जो MLFR है 1275 वाटेज दे रहा है, तो आप लोगों के पास 1200 से लेकर 1300 वाटेज तक का लोड डाल सकते हैं एक चैनल पे। यानी कहने का मतलब है कि 15 इंची का स्पीकर हो या 18 इंची का स्पीकर हो, 600 वाटेज से लेकर 650 वाटेज तक का आप लोग इस पे स्पीकर एक चैनल पे दो स्पीकर एक साथ में 4 ohm पे चलाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आप लोग इस पे 2 ohm पे लोड देना चाहते हैं तो ये जो MLFR है 2 ohm पे काफी ज्यादा अच्छा लोड लेता है और ज्यादा भी लोड लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस MLFR पे 1800 से 2000 वाटेज तक का लोड डालेंगे, 1600 वाटेज तक का लोड डालेंगे तो कंपटीशन लेवल के लिए और भी काफी ज्यादा बेटर है, जो कि आप लोग इस पे 15 इंची का 400 वाटेज से लेकर 450 और लास्टली 500 वाटेज तक का स्पीकर चला पाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस पे 400 वाटेज से लेकर 450 वाटेज तक का एक चैनल पे चार स्पीकर चलाएंगे, यानी 2 ohm पे लोड डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि 1600 या 1800 या 1900 वाटेज तक का लोड डालेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अच्छा आप लोगों को ये MLFR आउटपुट निकाल कर दे देगा। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले MLFR के प्राइस के बारे में, जो कि प्राइस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो गई सर इस वाले MLFR का जो मार्केट में अभी फिलहाल का जो प्राइस चल रहा है आप लोगों को 38,000 से 40,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गई सर, ये इतने प्राइस रेंज में आप लोग इंडिया के कहीं से भी इस वाले MLFR को ले पाएंगे, किसी भी स्टेट से ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा प्राइस जहाँ पे भी लग रहा है तो आप लोग समझिएगा कि वहाँ पे ज्यादा आपसे प्राइस मांगा जा रहा है, या कॉपी MLFR में भी ज्यादा प्राइस देकर या कम इससे ज्यादा प्राइस लग रहा है, मान के चलिए कि 30,000 और गई सर 29,000 28,000 में मिल रहा है 4K का MLFR, तो समझिए कि वो कॉपी MLFR है। इसका जो ओरिजिनल का प्राइस है 38 से आप लोगों को 40,000 के बीच में ही पड़ेगा, किसी किसी मार्केट में 37,000 में भी मिल जाता है, लेकिन इतना ही का अंतर देखने को मिलेगा, ज्यादा का अंतर होता है तो समझिए कि कॉपी MLFR है। तो गई सर ये जो MLFR है प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा बेहतरीन MLFR है। अगर आप लोग कम बजट में
2 ओम पे किंग एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो इससे बढ़कर कोई एम्पलीफायर नहीं है। अगर आप लोग एक कम बजट में अच्छा क्वालिटी वाला एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो स्टिंगर का 4K का एम्पलीफायर काफी ज्यादा बेहतरीन है जो कि 2 ओम पे, इसे किसी भी तरह से चलाइए कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 2 ओम पे आप लोग इस पे रन कर सकते हैं 2400 घंटा 36 घंटा तक भी इसके अंदर कोई भी दिक्कत और फॉल्ट होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को स्टिंगर 4K के बारे में इस वाले वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिला होगा, साथ ही सर कौन सा अपडेट नया स्टिंगर ने किया 4K के अंदर ये भी मालूम चल गया होगा। तो गई सर वीडियो को फटाफट से जो लाइक का बटन है उसे ठोक दीजिए, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही मजेदार वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आप लोग मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या कि सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।